तो गाइस आज हम दिखा रहे हैं आपको बेस्ट प्रोजेक्ट इन नियर बाय खाटू श्याम जी। अभी हम ये रिंगस रोड पर हैं, ये हाईवे है। थोड़ी ही देर में हम रिंगस पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हो कितना अच्छा माहौल है, पूरा ग्रीनरी है, पॉल्यूशन कम है। तो कि जैसे आप देख रहे हो इधर हम जा रहे हैं बालाजी, ये रोड जा रही है और ये जा रही है रिंगस खाटू श्याम जी। हाँ यही वो रोड है जहाँ से लोग पैदल यात्रा शुरू करते हैं, यहाँ से ही लोग जाते हैं, यही मेन रास्ता है गाइस। टोल रोड भी यहीं पर ही है, ये देखो साइड में निशान है, यहाँ से लोग निशान ले सकते हैं। ये बिल्कुल हम रिंगस के अंदर ही है। मैं बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपको दिखा रही हूँ, आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको, और बाबा की शरण में रहने का मौका तो मिल ही रहा है। हम दोनों निकल चुके हैं अपने सफ़र पे, तो देखो आप कैसे। तो अब हम चढ़ गए हैं पुल पर, तीन बज रहे हैं लेकिन बहुत भीड़ है, धूप भी बहुत तेज़ है। और ये आ गया वो मोड़, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के मोड़ पर। ये वही मोड़ है, वही मोड़ है। अब हम इस पुल से नीचे उतर रहे हैं। इस पुल से आप उतरते हुए हो तो वहीं से हमारा निशान चढ़ाया जाता है। ओ ओ ओ ओ मैं आ गई, ये देखो मुझे। सो फाइनली हम पुल से उतर चुके हैं। आप समझ पा रहे होंगे, जो रिंगस आए होंगे, खाटू श्याम जी आए होंगे, वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस जगह को। यहाँ से ही गाइस निशान उठाए जाते हैं रिंगस से खाटू श्याम जी, ये वही जगह है। मैंने भी यहीं से उठाया था 3 महीने पहले। ये विवेक देखो कितनी भीड़ है यहाँ दोनों तरफ गाइस, कितनी मतलब मार्केट ही मार्केट है, कैफेज। यहाँ से पद यात्रा शुरू होती है, और ये जो रोड आप देख रहे हो ये हाईवे बनेगा अभी, ये और चौड़ा होगा। तो बहुत मेन रोड पे मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ, ये हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। अभी हम रिंगस से खाटू श्याम जी वाली रोड पर ही हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर और भी बहुत सारे घर बने हुए हैं, प्लॉट बने हुए हैं। ये देखो साइड में पद यात्रा वाले निकल चुके हैं, और अब ये रोड और भी बड़ी होगी, चौड़ी होगी, ताकि पद यात्रा के लिए और स्पेस मिल सके, उन्हें कोई कठिनाई ना हो। बहुत अच्छी लोकेशन है गाइस, बहुत अच्छी लोकेशन है सोसाइटी की। आप देख ही रहो कितना ग्रीनरी है, मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। बहुत बेनिफिट है, मैं आपको पूरी, आप वीडियो देखोगे मैं बहुत बेनिफिट्स आपको बताऊंगी जो पूरे रिंगस में आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा, और क्यों यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए मैं ये भी बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनसान में है, जंगल में है, रिंगस इन्वेस्ट कर रहे हो तो जंगल में इन्वेस्ट कर रहे हो, गांव में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट, जैसे हम देख पा रहे हैं अभी हम और नियर बाय जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। गाड़ियों पे गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, और हम आ गए हैं फाइनली अपने प्रोजेक्ट पर। ये है रुकमणि गार्डन बाय अनुकृति। इसके अंदर एक हॉस्पिटल भी है। ये मेन गेट है गाइस, आप खुद देख रहे हो, ये मेन गेट है, गेटेड कॉलोनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी है, पहली ऐसी सोसाइटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है रिंगस में। लाइट्स बिछी हुई हैं, जैसे आप देख रहे हो लाइट्स फुल जलती हैं, प्रॉपर रोड हैं,
ये बीच में जगह है, ये एक आने वाली जगह है, उधर से आप देख पा रहे हो वो जाने वाला रास्ता है। और ऐसा नहीं है कि ये कॉलोनी में कुछ नहीं बना हुआ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये 13 बीघा की कॉलोनी है और बिल्कुल मेन रोड पर है, आपने देखा होगा। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे से कितने बड़े बड़े यहाँ पर घर तैयार हो गए। ये एक और देखो कितना 300 गज का किसी ने खरीद लिया, बाउंड्रीज बनी हुई हैं, फुल ग्रीनरी। ये देखो दो प्यारे प्यारे विलास बने हुए हैं, काफ़ी बड़े साइज के हैं और सामने से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ थोड़ा पानी है बट ठीक है, बाढ़ तो अब हर जगह आई हुई है। ये एक और घर तैयार हो रहा है, एक और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लाइट सुविधा सारी है, हर फैसिलिटी मिलेगी, पानी की सुविधा है यहाँ पर, लोन फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी जो हर जगह नहीं मिलता। ये देखो एक और घर अभी रेडी हुआ है, एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे ये तीनों प्लॉट भी खाली हैं। ये एक और घर है, इसको भी 2 साल हो चुका है, ये अभी बन रहा है, बन चुका है, लोग शिफ्ट हो चुके हैं। देखो लेफ्ट में और बड़े विलास, ये है हॉस्पिटल गाइस, आई केयर सेंटर, आप देख पा रहे होंगे आई केयर, ताकर हेल्थ केयर। ये अभी और आगे तक है, सीधा सीधा आप जा सकते हो, लेकिन हम राइट मुड़े हैं। ये पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, हम सीधा सीधा निकल चुके हैं देखने के पीछे क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पर लाइट फैसिलिटीज़ भी, ये लेफ्ट में आप जो देख रहे हो वो गार्डन है। ये पूरा रास्ता भी बड़ा होगा, मेन रोड पर 60 फिट चौड़ी है, यहाँ पीछे ये 40 फिट है। एक और लास्ट में देख रहे हो आप घर बने हुए हैं, तो अभी हम यहाँ रुकते हैं, देखते हैं ये एक और नया घर देखो आप कैसा है। ये अपनी कार खड़ी है, वाओ फुल खेत में रहने का मज़ा ही अलग है, कहाँ सिटी में रह रहे हैं।